हाँ जी क्या हाल चाल ठीक ठाक कुशल मंगल कैसे हो आप सब सबसे पहले तो वो सभी बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री में से आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और फिर वो बच्चे जिन्होंने अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया है जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है रिजल्ट अवेटेड है और वो क्लासेस करने आए हैं फिर उनका बहुत बहुत स्वागत है बहुत 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 स्वागत है फाउंडेशन <coughs> का एग्जाम दिया यहां बैठे हैं उन सबके लिए तो प्रार्थना एंड ब्लेसिंग भी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होंगे बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हों शाबाश और ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये झलकाता है कि पेपर बहुत अच्छे गए और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हूं ये ब्लेसिंग है तो चलिए जी हम शुरू कर रहे हैं आज एल्डाइन पर अपना बैच लॉ क्या ये क्लास किसकी है लॉ की अभी तक आपने अकाउंट्स की क्लास देख ली होगी अभी तक शायद टैक्स की भी क्लास देख ली होगी जीएसटी की शायद देख ली होगी आज मैं जो आपके सामने आया हूं ये लंबे लंबे बाल लेकर जो मैं आपके सामने आया हूं वो आया हूं लॉ की क्लास लेने के लिए नाम है मेरा अमित पोपली चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन 2004 बैच ठीक है जी अभी तक आप जानते हैं कि आप नए सिलेबस के अंदर सबसे पहले प्राणी हैं, यानी कि नए सिलेबस के अंदर आप ही हैं, आप ही हैं जो नए सिलेबस का श्री गणेश करने वाले हैं वो कहते हैं ना कि जब भी कोई शुभ काम होना हो तो सबसे उत्तम आदमी के सबसे पहले कदम रखवाए जाते हैं कि ले भाई सीधा कदम जरा यहां पे रख ये लोटा गिरा दे जरा चावल का तो वो जो चावल का लोटा गिरा, गिराया गया है समझ लो नए सिलेबस का वो आप ही के द्वारा गिराया गया है तो वो नए सिलेबस की लक्ष्मी कह लो या लक्ष्मण कह लो जो भी हो वो आप ही हो वाह 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 तो हां जी अब आप जानते हैं कि आपके लिए मे 24 अगर आपका अटेम्प्ट है या फिर आप नवंबर 24 में देंगे जब भी देंगे दे, 2024 में नया सिलेबस जो आप देंगे तो वो सबसे पहले सबसे पहले आपने ही कदम रखा है नए सिलेबस में तो ये नया सिलेबस क्या है कितने सब्जेक्ट मैं जानता हूं ये सब आप जानते होंगे अभी तक अभी तक आप पहचान गए होंगे वहां सर ने भी बता दिया होगा शर्मा सर ने अकाउंट्स में और जीएसटी में भी सर ने बता दिया होगा बट फिलहाल अब मैं लॉ के लिए आया हूं तो अब मैं लॉ की बात करूंगा लॉ पहले भी पेपर नंबर टू था अब भी पेपर नंबर टू है पहले भी नाम इसका कॉरपोरेट एंड अदर लॉस था अब भी नाम कॉरपोरेट एंड अदर लॉस है चेंजेस क्या हुआ है सर फिर कुछ चेंज हुआ है लॉ में हां हुआ है अच्छा वो क्या चेंज हुआ है चेंज ये हुआ है कि कुछ टॉपिक्स फाइनल के उठाकर इंटर में डाल दिए गए हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो तो फाइनल के थे और फाइनल के टॉपिक्स उठाकर इंटर में डाल दिए गए हैं उनमें से कुछ इजी टॉपिक भी डाले हैं कुछ टेक्निकल टॉपिक भी डाले हैं और कुछ टॉपिक जो ऑलरेडी इंटर में थे वो फाउंडेशन में चले गए हैं ओहो जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहां था ये इंटर में था अब ये फाउंडेशन में चला गया है इनफैक्ट इंटर में तो एक टॉपिक फाउंडेशन से भी उछल के आया है क्या हा नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अरे सर ये टॉपिक पीछा नहीं छोड़ रहा बताओ कमाल कर दी इसने फाउंडेशन में भी सताया अब इंटर में भी सताएगा हाँ सताएगा वो जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा वो पोलियो की दो ड्रॉप्स थी बस अब आपको पूरी बॉटल पीनी है एल की समझ आई बात एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे बोलो ना हाँ अब तो आप एल एल पी पूरा इनडेप्थ पढ़ेंगे इस बार पूरा इनडेप्थ एल एल पी पढ़ेंगे और साथ में कुछ टॉपिक्स फाइनल के भी पढ़ेंगे ठीक हो गई इतनी बात तो ले देकर आपका सिलेबस है क्या देखते जी आपका सिलेबस है क्या पहले बोलो मेरे साथ बोलो टैन टें टें। सिलेबस है क्या सिलेबस है क्या सिलेबस है क्या टेंट लो जी नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पेपर नंबर टू टोटल मार्क्स हंड्रेड टोटल मार्क्स हंड्रेड चलो जी अब नाम से ही जैसे पता लग रहा है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज मतलब दो पार्ट होंगे एक होगा कॉरपोरेट लॉ हां अब कॉरपोरेट लॉ में एल एल पी साथ डाल दिया गया है हे म मत जी ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाया आईसीआई ने कॉरपोरेट लॉ में एल एल पी डाल दिया ऐसा क्यों मतलब कोई तुक तो होगा हाँ है ना तुक अच्छा वो क्या है देखो कॉर्पोरेट लॉ में एक मॉनिटर है एक मॉनिटर है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटर जो रेगुलेट करता है जो टॉर्च लेके रात को निकलता है और देखता है जो रात को निकलता है और देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं उस रेगुलेटर का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और एलएलपी के अंदर भी वही रेगुलेटर है जो रात को टॉर्च लेकर निकलता है और पीछे गाना चलता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर समझ आई तो ये कौन कहलाता है रेगुलेटर रेगुलेटर कौन है इन दोनों के लिए रेगुलेटर कौन है द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स दोनों के लिए रेगुलेटर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इसे आज के बाद हम कहेंगे एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर पूरे कंपनी लॉ में जब आप कंपनी लॉ जब तक आप कंपनी लॉ पढ़ोगे पूरे के पूरे कंपनी लॉ में इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर या एमसीए भी नहीं कहा गया हो तो इसे क्या कहा गया है इसे कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सीजी क्या कहा गया इसे सीजी तो आपका कॉर्पोरेट लॉ कह दो या एलएलपी कह दो ये कितने मार्क्स का है द आंसर है सेवेंटी मार्क्स का है एक बार फिर बोलो हां भाई बोलो ना हां ठीक है उसके बाद मेरा आता है अदर लॉस का पोर्शन अदर लॉस इसमें बड़े क्रांतिकारी चेंज हुए हैं इस तीस नंबर के लिए बड़े ही क्रांतिकारी चेंज हुए हैं अच्छा पहले हमारे ओल्ड सिलेबस में यहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनेटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सारे टॉपिक फाउंडेशन में चले गए अच्छा सर इसका मतलब हम कभी ये टॉपिक पढ़ नहीं पाएंगे नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाना है आप आ गए हो इंटर में तो ये आप कभी पढ़ नहीं पाओगे ओहो सर हमारा बड़ा अधूरा ज्ञान सर हो गया ना कि एजेंसी बिलमेंट और इंडेमिनिटी हमने नहीं पढ़ा अरे नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा जब पढ़ के कौन सा कुछ उखाड़ लेना था बताओ हमने कौन सा एजेंसी बिलमेंट इंडेमिनिटी क्या करना था बट ठीक है निकल गए अच्छी बात है टॉपिक बताओ शुगर बनाओ चलिए अदर लॉज में क्या है तीस नंबर के तीस नंबर का मेरे पास क्या क्या है पूछो पूछो क्या है पूछो पूछो एक आया टॉपिक बड़ा टेक्निकल टॉपिक कहलाता है ये फाइनल का ओए होए तोते उड़ाई रखता है बच्चों के फे, वहाँ फाइनल में नाम है जिसका फेमा सर आर यू श्योर फेमा हा फेमा क्योंकि आपने तो एड सुनी होगी फेना ही लेना ये फेना नहीं है ये फेमा है फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा ये फाइनल से था भाई साहब फाइनल का टॉपिक यहां डाला और फाइनल में भी इसे टेक्निकल टॉपिक कहा जाता था और आज हम क्या करने वाले हैं कॉलर आप देख रहे होंगे मेरे कॉलर नीचे नहीं है मेरे कॉलर ऊपर है और आपने किसी ने पूछा नहीं कॉलर ऊपर क्यों है पूछो कि कॉलर ऊपर क्यों है वो इसलिए कि जिसे फाइनल का सबसे टेक्निकल टॉपिक किया जाता था कहा जाता था आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे फेमा समझ आई बात तभी कॉलर ऊपर है चलो आप भी अपने कॉलर ऊपर कीजिए कमाल हो के नीचे क्यों किए हुए कॉलर ऊपर करो तो आज हमारा पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे फेमा फिलहाल उसके बाद हमारे सिलेबस में और क्या है हमारे सिलेबस में है जर्नल क्लॉज एक्ट अच्छा जर्नल क्लॉज एक्ट ये क्या है इस एक्ट का क्या क्या महत्व है हाँ जी हमको नोट करना है ये सब हां कर लो तो अच्छा है कर लो तो अच्छा है ना करो तो भी चलेगा क्योंकि मैं एक बार दोबारा भी इसे करवाऊंगा अगस्त में जब रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे आएंगे ना तो उनके साथ भी एक बार ये वाला टॉपिक दोबारा कराऊंगा जो अभी मैं बता रहा हूं फेमा सबसे लास्ट में होगा क्योंकि फेमा आप लोगों को मैं पहले ही खत्म करा दूंगा ठीक है ना फेमा पे, लास्ट में होगा वहां पर बट ये इंट्रोडक्शन वहां पे भी दूंगा तो आपकी इच्छा है वैसे मैं रिकमेंड करूंगा मेरी रिकमेंडेशन सुनो तो मैं कहूंगा कि हाँ लिखते रहो जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते रहो बुक्स में क्या क्या मिलेगा माधव अग्रवाल कहते हैं बुक्स में बेटा हर पेज पे सौ सौ रुपए का नोट होगा कुछ दो हजार के नोट एक्स्ट्रा बचे थे वो भी हर बुक में मैंने लगा दिए हैं बुक्स में क्या क्या मिलेगा बताओ सवाल सुनो बुक्स में क्या क्या मिलेगा अरे बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कंटेंट मिलेगा अच्छा आप ये तो नहीं पूछ रहे कि बुक्स में एमसीक्यू होंगे कि नहीं एमसीक्यू होंगे ना बताओ कमालोगी बात जान मांगी होती बुक्स में एमसीक्यू भी हैं बुक्स में 500 के करीब केस स्टडीज हैं ध्यान रखना ध्यान रखना कल मैं देख रहा था शर्मा सर ने भी ये बात बताई थी आज मैं भी यही बात बताने जा रहा हूं शर्मा सर ने भी कहा था कि अब इंटर के पेपर टेक्निकल आएंगे अभी तक क्या होता था लोग यूट्यूब पे खड़े हो जाते थे और कहते थे बच्चों पेपर के लिए एबीसी एनालिसिस करके जाना है एबीसी एनालिसिस तेल लेने गया एबीसी एनालिसिस कई ऐसे भी हैं कई ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे आते हैं और कहते हैं चार्ट पढ़ा रहे हैं बस चार्ट पढ़ के जाने हैं ऐसी तैसी कराओ अब ना चार्ट वाले चलेंगे ना केवल एबीसी वाले चलेंगे ये दोनों नहीं चलेंगे क्यों क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लियर कहा है वो क्या कि मुझे कॉन्सेप्टअल इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट की यानी कि अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो बेटा लोटा उठाओ अपने आसपास जो भी हरिद्वार की बस चल रही हो उसमें से चढ़ो और निकलो हरिद्वार की तरफ क्यों क्योंकि तो भैया जिनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उनके लिए सीए का एग्जाम ही नहीं है तो जो जो इन डेप्थ जो जो एबीसी एनालिसिस फाउंडेशन लेवल पे अपने टीचरों से सीख क्या है उन्हें हाथ जोड़ देना कि नहीं अब नहीं करने YouTube पे बहुत टीचर मिलेंगे जो कहेंगे इंटर में भी एबीसी एनालिसिस करो एबीसी लगे रहते सुबह से शाम तक नहीं करनी ध्यान रखना नहीं करनी एबीसी एनालिसिस नहीं करना कोई चार्ट बेस्ड स्टडी नहीं करनी हमें हर चीज की इनडेप्थ नॉलेज चाहिए क्योंकि अब जो पेपर आएंगे मे 24 से सी इंस्टीट्यूट ने क्लियर कहा है कि मैं अब सी की जो बाहर निकलने वाले हैं उनकी क्वालिटी काफी रिफाइन करना चाहता हूं रिफाइन करने का मतलब है कि वो ऐसे हो जिन्हें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बड़ी सॉलिड हो तो इसलिए केस स्टडी बेस्ड पेपर आएंगे आपकी बुक और आपकी क्लासेस उसके लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है यहां बीस साल तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो सीए फाइनल को पढ़ाने का एक्सपीरियंस बीस साल को है क्योंकि सीए इंटर और सीए फाइनल मैंने पढ़ाया हुआ है 20 साल तक तो वही एक्सपीरियंस इन टॉपिक्स में आपके काम भी आएगा और वही आपकी बुक के अंदर रिफ्लेक्ट भी है कि जब मैं कहता हूं कि नियर अबाउट पांच सौ के स्टडीज है तो वो पांच सौ के स्टडीज ऐसी हैं जिनमें से आप देखोगे कि कई बार एज इट इज पेपर में क्वेश्चन छपता है एज इट इज क्वेश्चन छपते हैं उनके स्टडीज में से चलिए तो फिलहाल बाकी बातें तो और करते रहेंगे फिलहाल सेकंड टॉपिक है जनरल जनरल एक्ट एक्ट क्या होता है इसके बारे में केवल एक लाइन कहूंगा वो क्या कि जिसका कोई नहीं उसका तो ये एक्ट है यारों मतलब 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 ये कि इस एक्ट की महानता ये है कि अगर किसी चीज का मतलब किसी एक्ट में भी ना लिखा हो तो फिर उस चीज का मतलब वो लिया जाता है जो जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हो हैं जी मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट में ना कई जगह लिखा होता है वर्ड कंपनीज एक्ट में ईयर ईयर साल अब ईयर का मतलब क्या लूं जैसे कंपनी एक्ट में एक, एक सेक्शन लिखा हुआ है 173 सेक्शन है उसमें लिखा है कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कम से कम चार मीटिंग इन अ ईयर करेगी चार मीटिंग इन अ ईयर हां Year का मतलब है साल हां मगर साल मुझे पता है दो होते हैं बचपन से की मैडम ने सिखाया है कि दो साल होते हैं एक होता है, कैलेंडर ईयर एक जनवरी से इकतीस दिसंबर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से इकतीस मार्च तो मैं क्या लू अब कंपनी लॉडे केवल ईयर लिखा है तो ईयर का मतलब क्या लू ये एक्ट कहता है ठहरो मैं हूं ना मैं हूं ना अगर कंपनी एक्ट में कहीं पर भी किसी सेक्शन में ईयर का मतलब नहीं लिखा तो मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा ईयर का मतलब क्या है जब मैं इस एक्ट के पास गया मैंने कहा बताओ बताओ ईयर का मतलब क्या है तो इसने कहा जब खाली वर्ड ईयर लिखा हो और कुछ ना लिखा हो तो ईयर का मतलब हमेशा कैलेंडर ईयर वाह तो इसका मतलब जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि चार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इन अ ईयर तो ईयर का मतलब हुआ कैलेंडर ईयर वाह 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 ये किसको धन्यवाद दू इसको धन्यवाद दो क्या नाम जनरल क्लॉज एक्ट समझ आई बात अरे बोलो ना हा इंक्रीज द वॉल्यूम प्लीज मलुपंथ बेटा कसम से कह रहा हूं अगर थोड़ा सा भी और चिल्लाया ना घर तक वैसे ही आवाज आ जाएगी बिना माइक के बताओ अपने वहां से लैपटॉप से आवाज अप कर यार यहां तो बहुत तेज हो रखी है चलिए <laughs> तीसरा है मेरे सिलेबस में स्टेच्यूट है जी हा स्टेच यह, यहां आपको पता लगेगा कि किसी भी कानून को पढ़ते कैसे हैं मतलब मतलब मैं एक लाइन आपके सामने कहने जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अनारकली डिस्को चली क्या कहा मैंने अनारकली डिस्को चली अब इसे पढ़कर इसे सुनकर आपको कैसे लगा अच्छा जो लड़के अंदर से भरे बैठे हैं लड़के वो तो हो गए होंगे खुश वाह वाह अनारकली डिस्को जा रही है अरे सर हमें बताओ ना कहा जा रही है हम भी जाना चाहेंगे मगर जो होंगे इंटेलेक्चुअल समझदार वो क्या कहेंगे अनारकली डिस्को चली सर एक बात बताओ ऐसे कौन से हालात रहे होंगे कि जिन्होंने मजबूर किया अनारकली को डिस्को जाने पर क्या मन में ये विचार आया कि नहीं आया आप बताओ कौन सी क्लास में आप आ रहे हो इंटेलेक्चुअल क्लास में तो आई लिखना और ढक्कन वाली क्लास में तो डी लिखना बोलो कौन सी क्लास में आप आ रहे हो जो ढक्कन होंगे ये सोचेंगे कि माय oh गॉड डिस्को चली चलो हम भी चलते हैं और जो इंटेलेक्चुअल होंगे वो ये सोचेंगे कि भाई क्यों चली घर में क्या परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि आज अनारकली को डिस्को जाना पड़ा वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने मजबूर किया नारकली को डिस्को की राह पकड़ने को बस वो परिस्थितियां कौन सी थी जिन्होंने ऐसा करने को मजबूर किया ये बातें यहां स्टेच्यूट में पता लगती हैं जब आपको पता लगता है कि कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो उस सेक्शन को क्यों लाया गया वो ये आपको बताएगा जिसका नाम है स्टेच्यूट स्टेच्यूट बताता है कि किसी एक्ट का जन्म क्यों होता है किसी कानून का जन्म क्यों होता है वो स्टेट्यूट उसे पढ़ने का तरीका बताता है उसे जानने का तरीका बताता है तो ये भी आपके टॉपिक में है ये भी आपके सिलेबस में है तो ये है आपके अदर लॉज का टॉपिक अदर लॉ का सिलेबस मैं कह सकता हूं ये तीन टॉपिक्स हैं तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होंगे ये तीस नंबर और ये सेवनटी मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट आपको गहराई में गहराइयों तक गोते लगवाएगा बहुत गहराइयों तक गोते लगवाएगा

हो गई बात चले अब हम आते हैं कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर कॉर्पोरेट लॉ से पहले पहले मैं कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आपने सुना होगा फाउंडेशन के अंदर सेक्शन सुना होगा सेक्शन टू क्लॉज एच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन बताता है ये सब आपने सुना होगा अब सवाल उठा कि ये को पढ़ते कैसे हैं पहली बात कुछ बेसिक सी बातें कर लेता हूं उ टू रीड लिख लेना मेरे साथ एनी सेक्शन किसी भी सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है किसी भी सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है कैसे पढ़ा जाता है जैसे मैं एक सेक्शन लिखने जा रहा हूं सेक्शन टू सेवेंटी फोर वन जी ट्रिपल आई एच थ्री अब इसे पढ़ के बताइएगा कि इसे कैसे पढ़ा जाएगा लो जी इसे हम कहते हैं सेक्शन मेन सेक्शन कौन सा है 274, जो पहला ब्रैकेट आता है वो कहलाता है सेक्शन क्या कहलाया सब सेक्शन उसके बाद जो अगला ब्रैकेट आया वो कहलाता है क्लॉज अगला ब्रैकेट क्लॉज कहलाता है उससे अगला ब्रैकेट कहलाता है सब क्लॉज ठीक हो गई थी बात फिर उसके बाद अगला पैरा कहलाता है पैरा फिर सब पैरा लो जी सर हमारी जिंदगी तो झंड हो जाएगी इतना सारा पढ़ेंगे हम इतना लंबा सेक्शन याद करेंगे कहीं जी का एच और एच का जी कर दिया तो हो गया कांड हाँ बिल्कुल हो गया मगर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि बस आपको सेक्शन नंबर याद रखना है मतलब इतना याद रखना है आपको तो सेक्शन भी याद नहीं करना मगर कुछ एक जगह मैं आपसे कुछ आपको सबसेक्शन जरूर याद करवाऊंगा क्योंकि वहां बहुत जरूरी होगा सबसेक्शन लिखना वो सबसेक्शन लिखने से उसका इंप्रेशन अच्छा डालेगा तो वो मैं खुद ही बताता जाऊंगा आप जो भी लिखेंगे अपनी बुक में लिखेंगे आपका 80 परसेंट नोटिंग आपकी बुक के अंदर ही रहेगा और सॉरी जो भी लिखेंगे कॉपीज में लिखेंगे आपका एट्टी नोटिंग आपका कॉपीज के अंदर होगा केवल ट्वेंटी परसेंट पोर्शन के लिए हम आपकी बुक के कुछ चैप्टर्स लिखेंगे कुछ चैप्टर्स देखेंगे ठीक है तो अगेन इस सेक्शन को अब मेरे साथ पढ़ना एक बार दो बार पढ़ेंगे पहले एक बार मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ो बोलो सेक्शन 274 बोलो बोलो मेरे साथ वहां बोलो बोलो कोई बात नहीं मम्मी सुन रही होगी क्या दिक्कत है सुनने दो तो मम्मी को भी सेक्शन 274 सेवेंटी फोर सबसेक्शन वन क्लॉज जी सब क्लॉज अब आप सब क्लॉज को कई पुकारेंगे थ्री नहीं पुकारना जब भी रोमन्स में आए कुछ भी तो उसको हमेशा कहना ट्रिपल आई आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी 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 आई वी डबल आई वी ट्रिपल आई आई एक्स एक्स बस हमेशा ऐसे पुकारना क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर आपने सब क्लॉज को थ्री पुकारा और गलती से वहां पेपर में कभी आप थ्री लिखाएं या यूज आप थ्री करें किसी को दिखाने के लिए तो वो गलत इंप्रेशन डालता है क्योंकि थ्री सेक्शन टू सेवन जी थ्री कुछ है ही नहीं ट्रिपल आई है तो इसलिए ऐसे ही पुकारो ना जैसा वो है ट्रिपल आई ठीक है तो एक बार दोबारा शुरू करते हैं बोलो सेक्शन 274 सेवेंटी फोर सबसेक्शन वन क्लॉज नंबर जी सब क्लॉज नंबर ट्रिपल आई पैरा नंबर एच अब ये एच कौन सा कैपिटल वाला तो हमेशा इसे कैसे कहते हैं पैरा नंबर कैपिटल एच पैरा नंबर कैपिटल एच और सब पैरा नंबर थ्री सब पैरा नंबर थ्री क्लियर हो गई बात अब एक बार हम मिलके पढ़ेंगे चले बोलो मेरे साथ सेक्शन 274 सब सेक्शन वन क्लॉज नंबर जी या क्लॉज जी सब क्लॉज ट्रिपल आई पैरा कैपिटल एच सब पैरा थ्री मैं साथ में ये बता दूं कि आपके सिलेबस में बस इतने तक ही है इससे आगे आपने नहीं पढ़ना तो सवाल उठा सर आपने क्यों बताया भाई साहब अब स्टाइल मारना भी तो कोई चीज होती है कि नहीं मैं स्टाइल ना मारू पहली क्लास में मैं ये ना बताऊं कि मुझे ये पता है बताओ मुझसे मुझसे पहले अगर किसी और ने कुछ बता दिया तो कल तक तो को तुम यही कहोगे ना पोपली ने नहीं बताया था तो फिर झंड होगी कि नहीं मेरी तो इसलिए बताना पड़ा चले अच्छा तो एक बात पक्की है कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन सब सेक्शन के बाद क्लॉस क्लॉस के बाद सब क्लॉस सब क्लॉस के बाद पैरा पैरा के बाद सब पैरा ये पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब क्लॉज पहले आ जाता है और सबसेक्शन आता ही नहीं है हैं जी ये कैसे हाँ देखते हैं ना चले ये लिख लिया एक तो तुम हां नहीं बोल रहे बोलो ना हा लिख लिया तो बोलो ना हा लिख लिया चलो जी अब मैं कुछ सेक्शन आपके सामने लिखने जा रहा हूं सेक्शन ये भी सेक्शंस देख लो पहले मैं कैसे लिख रहा हूं मेरे साथ लिखना टू सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट लो जी सेक्शन टू सिक्सटी एट सेक्शन टू एटीन सेक्शन टू नाइन्टी वन फिर यहां पर लिखेगा सेक्शन 96 सिक्स वन सेक्शन 96 सिक्स टू सेक्शन 96 सिक्स थ्री ठीक हो गई इतनी बात अब लिखेगा आगे लिखेगा सेक्शन टू ब्रैकेट में सिक्सटी एट यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन दी होती है फिर है सेक्शन 218 ये बताता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है ओके फिर सेक्शन 291 ये बताता है टर्नओवर मतलब सेल्स का मतलब क्या है कंपनीज में अच्छा अब आइए दूसरी तरफ 961 ये बताता है मीटिंग ऑफ कंपनी कब होगी अच्छा 962 ये यह बताता है मीटिंग ऑफ कंपनी क्यों होगी 963 ये बताता है मीटिंग ऑफ कंपनी कहां होगी ओहो लिखने के बाद जरा हां का मैसेज दे दो डन का मैसेज दे दो लिखने के बाद चले अब लेफ्ट एंड साइड वाले सेक्शंस पढ़ना इन सब सेक्शंस में जो ये पहला ब्रैकेट है दिस इज कॉल्ड एस क्लॉस तो इसे मैं कैसे पुकारूंगा आपकी सुंदरता का राज क्या है बेटा मैं ब्यूटी पार्लर अपने घर पे ही खोल रखा है और ब्यूटी का, पार्लर का कोर्स भी मैंने खुद ही किया हुआ है यह सुंदरता का राज नालायक यहां ध्यान दे बता कैसा लौंडा है ये, भरा पड़ा है अंदर से हे भगवान शिव 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 कैसा कैसा समय आ गया है आदमी व आदमी से प्यार करता वाला टाइम बना रखा है नालायकों ने चलिए सेक्शन टू पहला पुकारो पहला क्या है सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी एट दूसरा पुकारो सेक्शन टू क्लॉज एटीन तीसरा पुकारो सेक्शन टू क्लॉज 91 वन अच्छा तो इन्हें क्लॉज पुकारा जाएगा हाँ अभी हमने क्या पुकारा सब सेक्शन सीखा पर अब मैं पढ़ रहा हूं क्लॉज ऐसा क्यों वही वही तो रहस्य बताना है इसे क्या पढ़ोगे 96 सिक्स सबसेक्शन वन नाइनटी सिक्स सबसेक्शन टू 96 सबसेक्शन 3 तो इसे सबसेक्शन पढ़ा जा रहा है हां सवाल उठा सर क्या लॉ का कोई दीन मजहब है कि नहीं मैंने कहा है ना तो फिर ऐसा क्यों ऐसा क्यों कि एक सबसेक्शन है एक क्लॉज है ऐसा इसलिए क्योंकि अब 96 वाले को पढ़ना 96 सिक्स वन क्या कहता है कि मीटिंग ऑफ कंपनी कब होगी 96 सिक्स टू कहता है मीटिंग ऑफ कंपनी क्यों होगी 96 सिक्स थ्री कहता है मीटिंग ऑफ कंपनी कहां होगी क्या मैं कह सकता हूं कि आपस में कनेक्शन है हा हां हां कनेक्शन है अच्छा कनेक्शन कैसे हैं भाई तीनों में जो मुद्दा है चर्चा का वो केवल एक ही है मुद्दा केवल चर्चा का एक ही है वो क्या मीटिंग ऑफ कंपनी यानी कि एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है एक ही मुद्दे पर से फॉर एग्जांपल एक कहता है पोपली क्या बैटिंग करता है भाई साहब अच्छा मैं आपको बता दू अपने बारे में शायद मैंने बताया नहीं ना मैं बता दू आई यूज टू बी एन ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट कीपर प्लस कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम मैं आपके अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको और बाकी तो और बहुत किस्से हैं मेरी बैटिंग के मगर मैं एक आगे जैसे जैसे क्लासेस में चलेंगे आपको एक बात बताऊंगा कि एक बार जब फाइनल का मैच हुआ था और वहाँ हमारी टीम को जब चार बोलों पे चार छक्कों की जरूरत थी तब मैंने उतर के जो किया था मैं आपको बताऊंगा आगे चल के ये कथाएँ सुनाऊँगा बट फिलहाल अगर आपको कहें कोई पोपली के बॉल बहुत लंबे हैं पोपली एक बेहतरीन बैट्समैन है पोपली स्विमिंग बहुत अच्छी करता है पोपली मैं कहता हूं जिम में क्या दौड़ता है यानी कि चर्चा का मुद्दा तो एक ही चल रहा है ना पोपली 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 तो इन चारों में क्या यूज होगा सबसेक्शन सबसेक्शन वन पोपली के लंबे लंबे बाल सबसेक्शन टू पोपली की बैटिंग ऐसे यहां पे हो रहा है मीटिंग ऑफ कंपनी कब मीटिंग ऑफ कंपनी क्यों मीटिंग ऑफ कंपनी कहां जब जब चर्चा का मुद्दा एक हो यानी कि एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही हो कनेक्ट इसे कहते हैं आपस में कनेक्शन है और जब जब कनेक्शन होगा जब जब कनेक्शन होगा तब तब पहला ब्रैकेट कहलाता है सबसेक्शन यानी कि सेंस दे आर कनेक्टेड है दस पहला जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट इट बिकम सबसेक्शन तो ये पहला ब्रैकेट सबसेक्शन कहलाता है पहला ब्रैकेट सबसेक्शन कहलाता है क्लियर हो गई इतनी बात अब आइएगा वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपस में कहीं कोई कनेक्शन नजर आ रहा है आपको देखना कहीं कोई कनेक्शन नजर आ रहा है ना एक कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होगी फिर कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा फिर आगे कहता है कहता है टर्नओवर का मतलब क्या होता है अरे भाई कहीं दूर दूर तक आपस में कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक कहीं आपस में कनेक्शन नहीं है एक क्वेरी आई है अच्छा एक मैसेज आया है हेलो सर अच्छा ये प्रवीण सर है मतलब सर अगर आप हो तो मुझे थोड़ा शक है कि आप ही हो या कोई और है स्टूडेंट कंफर्म करो सर कि आप हो प्रवीण सर का मैसेज आया है वो कह रहे हैं वो भी हेलो का मैसेज भेज रहे हैं सर पहले कंफर्म करो कि आप ही हो चलिए कोई ऐसा सबूत दो कि बच्चे भी पहचान कि आप हो कोई ऐसा सबूत दो सर अच्छा सर ने सबूत दे दिया है सर ने सबूत दे दिया है वो कह रहे हैं कि कल शाम को आपसे बात हुई थी तो इसका मतलब सरी है अच्छा इसका मतलब सर है ओके सर नमस्कार नमस्कार सर भाई मैं सर के बारे में कहूंगा कि सर मेरे भी गुरु हैं आपके भी गुरु हैं मेरे भी गुरु हैं मैं भी सर का ही शिष्य हूं और आज मैं जहां हूं बस सर की कृपा से ही हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए ये सौभाग्य है सर मेरा <laughs> चलो जी अब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जी राधे राधे सर को राधे राधे हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पहला ब्रैकेट मैंने कहा क्या कहीं आपस में कहीं भी कनेक्शन नजर आ रहा है नहीं कहीं भी कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है कहीं भी कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है तो इसलिए जो पहला ब्रैकेट है वो कहलाएगा क्लॉज तो इसे क्या पुकारेंगे सेक्शन टू क्लॉज 68 सेक्शन टू क्लॉज 18 सेक्शन टू क्लॉज 91 अरे बोलो ना हा तो यानी कि सेंस दे आर नॉट कनेक्टेड क्योंकि आपस में कनेक्टेड नहीं है दस तो जो पहला ब्रैकेट है इट बिकम कलॉस तो पहला ब्रैकेट क्लॉज कहलाता है क्या कहलाता है क्लॉज कहलाता है देखो तुमसे पहले तो शर्मा सर हां बोल रहे हैं बताओ तो पहला ब्रैकेट क्या कहलाता है क्लॉज कहलाता है अच्छा सर एक बात सुनो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पर कनेक्शन है और कहां पर कनेक्शन नहीं है इसके लिए तो एक ही चीज हो सकती है सर कि क्या हम मतलब क्या कोई ज्योतिष का कोर्स करके आए जिससे हमें पता लग सके कि, कि कनेक्शन है या नहीं है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है हमने थोड़ा ना घर के बाहर बोर्ड लगाना है ग्रह क्लेश शोतन से छुटकारा हमने थोड़े ना घर पे बोर्ड लगाना है तो ये कोर्स करने पड़ेंगे हमें नहीं ये तो बड़ा आसान है अच्छा कैसे आसान है बड़ी सीधी सी बात है भाई लॉ कहता है जब भी लॉ मेकर लॉ बनाते हैं अच्छा ये लॉ मेकर होते कौन है फाउंडेशन से सुनते आ रहे होंगे जब भी जब भी लॉ मेकर लॉ बनाते हैं ये कौन होते हैं अभी बात करेंगे अगला चर्चा का मुद्दा वही है जब भी लॉमिकर लॉ बनाते हैं तो ध्यान रखना आपस में जितनी कनेक्टेड चीजें होती हैं आपस में जितनी जुड़ी हुई चीजें होती हैं सबको एक ही सेक्शन के अंदर डालते जाते हैं इसलिए हर सेक्शन को हम सबसेक्शन के साथ ही पुकारते हैं सेक्शन ये सबसेक्शन वो हर सेक्शन को परंतु एक सेक्शन इसकी एक्सेप्शन बनता है वो है वो सेक्शन जिसमें डेफिनेशन आती है ध्यान रखना नॉर्मली हर एक एक्ट में जो डेफिनेशन होती हैं परिभाषाएं वो सेक्शन टू के अंदर आती हैं और सेक्शन टू में हर डेफिनेशन अलग अलग चीज की होती है अलग अलग चीज की फॉर एक्जाम्पल सेक्शन टू ब्रैकेट में सिक्सटी एट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता रहा है कि ये कौन है मतलब डेफिनेशन बता रहा है सेक्शन टू क्लॉज नाइनटी वन टर्न की डेफिनेशन बता रहा है क्योंकि हमेशा सेक्शन टू के अंदर डेफिनेशन आती हैं और डेफिनेशन हर चीज की अलग अलग होती हैं इसलिए डेफिनेशन वाले सेक्शन के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता और डेफिनेशन वाले सेक्शन को हमेशा क्लॉज के नाम से पुकारा जाता है तो एक बात क्लियर हो गई जब भी किसी एक्ट में सेक्शन आएगा तो सेक्शन के साथ वैसे तो हमेशा सेक्शन पुकारा जाएगा परंतु जब भी डेफिनेशन वाला सेक्शन आएगा तो डेफिनेशन वाले सेक्शन में क्लॉज पहले आएगा इतनी बात क्लियर तो अब तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है तो डेफिनेशन वाले सेक्शन को छोड़ दो बाकी पूरे एक्ट के अंदर क्या पुकारा जाएगा सब सेक्शन क्या पुकारा जाएगा सब सेक्शन इतनी बात क्लियर भाई शर्मा सर का एक मैसेज आया है शर्मा सर का एक मैसेज आया है वो कह रहे हैं कि आज के बाद उन्हें पूरे बैच में ताऊ चाचा के नाम से पुकारना है क्या पुकारना है ताऊ चाचा अच्छा <laughs> तो ताऊ चाचा मतलब आदि भी अनंत भी ऊपर से नीचे तक ताऊ भी नीचे वाले चाचा जी भी ओके कुछ कॉन्सेप्ट जरूर है हाँ जी तो सर मैंने क्या पुकारना ताऊ जी या चाचा जी मेरे तो ताऊ जी हैं अच्छा मैंने क्या कहना है सर ताऊ जी या चाचा जी तो आगे बढ़िएगा अच्छा मेरे चाचा जी कहना है ठीक है चाचा जी चलो जी तो पहला ब्रैकेट क्या कहलाया क्लॉज कब जब जब डेफिनेशन होगा और डेफिनेशन के अलावा हमेशा क्या कहलाएगा सबसेक्शन कहलाएगा यहां तक क्लियर हो गई बात आगे बढ़ सकते हैं चलिए अब हुआ क्या यहां तक भी लिख लिया होगा आपने अब आगे सुनिएगा हुआ क्या कि मान लीजिए ये मैं हूं ये है नौरा अच्छा मैंने नौरा से कहा बाय बाय सर थैंक यू थैंक यू थैंक्स अलॉट यू, सर हाँ जी मैंने नौरा से कहा कि हे नौरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं ओ भाई साहब ये जैसे ही मेरी बात सुनी नौरा पागल हो गई कि भाई बैठे बिठाए उसे पोपली मिल रहा है उसे क्या चाहिए वो पागल हो गई उसने कहा पोपली तुम भी मुझे स्वीकार हो लो जी फाउंडेशन की मैडम सिखाती थी इसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं फाउंडेशन की मैडम सिखाती थी ना कि यही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैंने कहा नोरा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं उसने भी कहा पोपली तुम मुझे स्वीकार हो यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट है दा, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है। ओके अब हुआ क्या शादी वाला दिन था नोरा शादी के जोड़े में तैयार बैठी थी मैंने कॉल करके कहा मैंने कहा सॉरी नोरा मैं आ नहीं पाऊंगा सॉरी नोरा मैं आ नहीं पाऊंगा क्या मैं कह सकता हूं यहां चोट लगी होगी क्या यहां चोट लगी होगी हां तो अब नोरा क्या करेगी नोरा जाएगी कोर्ट में केस करेगी केस का नाम नोरा वर्सेस अमित ओके इसका मतलब नोरा वर्सेस अमित पोपली का मतलब नोरा ने केस किया है किसके ऊपर अमित पोपली के ऊपर जो केस कर रहा है उसका नाम पहले आता है और उसको अपन लोग पुकारते हैं प्लेंटिफ के नाम से क्या कहते हैं प्लेंटिफ. ओके प्लेंटिफ और जिस पार्टी का नाम बाद में आता है जिस व्यक्ति का नाम बाद में आता है उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट क्या कहते हैं रेस्पोंडेंट ओके अब प्लेंटिफ को एक और नाम से भी पुकारा जाता है आजकल आजकल इसे एक और नाम भी दे दिया गया है एप्लीकेंट रियल लाइफ में ना प्रैक्टिकल लाइफ में इसे एप्लीकेंट भी कहा जाता है हम बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में भी टच करके चलेंगे चिंता मत करो इनफैक्ट मैं आप सबका एक डीमेट अकाउंट भी खुलवाऊंगा डीमेट अकाउंट जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे इनफैक्ट हम गेम्स खेलेंगे एक गेम्स की वेबसाइट बनी हुई है वहां मैं आपका डीमेट अकाउंट भी खुलवाऊंगा और आपसे शेयर कैसे लेते हैं ये भी यह भी सिखाऊंगा कि शेयर कैसे खरीदा जाता है खरीदने बेचने ये सब सिखाऊंगा क्लास के अंदर चलिए क्यों क्योंकि इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है हाँ आजकल की ना इंडस्ट्री की डिमांड बहुत हो गई है एक जमाना था हमारे टाइम पे केवल पढ़ लिख के चार्टेड अकाउंटेंट बन के जो जाते थे उन्हें इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लेती थी क्योंकि आते ही बड़े कम थे परंतु आज के जमाने में एक्स्ट्रा फैक्टर मांगा जाता है एक्स्ट्रा फैक्टर की भैया देख सीए तो बहुत है मुझे ये बता कि तेरे में एक्स्ट्रा क्या है तो वो एक्स्ट्रा चीजें कई हो सकती हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो लाइक like आपकी कोई एक्स्ट्रा स्किल लाइक शेयर मार्केट का ज्ञान आपको अद्भुत हो एक, ऐसी स्किल्स लाइक like आपको कॉर्पोरेट की नॉलेज बहुत अद्भुत हो तो ये जो कॉर्पोरेट की नॉलेज है ये मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा हर दूसरे या तीसरे दिन आप यूट्यूब पे मेरे साथ मिलेंगे जहां मैं आपको कॉर्पोरेट का ज्ञान देता रहूंगा मेरी सीरीज चलती है बहुत ज्यादा जहां पे आपको रियल वर्ल्ड का ज्ञान देके आपके लॉ के साथ उसे कनेक्ट कराता रहूंगा तो ऐसा ज्ञानबाजी चलती रहेगी और शेयर्स का ज्ञान तो क्लास के अंदर ही दिखाऊंगा क्यों 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 क्योंकि क्यो 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 देखो खाली पढ़ लिख के लॉ के रट्टे मार के अगर बाहर निकल गए तो कोई फायदा नहीं है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए तो वो पूरी नॉलेज यहां पे क्लासेस के अंदर मिलती रहेगी चलिए फिलहाल नोरा को मैं प्लेंटिफ कह सकता हूं या एप्लीकेंट भी कह सकता हूं अमित पोपली कौन है रिस्पोंडेंट है इसको एक और नाम डिफेंडेंट भी कह सकता हूं डिफेंडेंट तो आप किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं किसी भी नाम से <laughs> अमित चौहान कह रहे हैं आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे अमित जी लिखो फटाफट वहां कमाल हो गई बताओ जान मांगी होती चलिए हां जी तो एक हुआ प्लेंटिफ और एक हुआ रिस्पॉन्डेंट अब होगा क्या आप अगर अपनी इनकम टैक्स की स्टडी मटेरियल उठाओगे या आप अपना लॉ का स्टडी मटेरियल भी उठाओगे तो उसमें कैसे लिखा जाता है पता है एल्डाइन को कैसे ज्वाइन करें बेटा वो ऊपर देखो वो दे, दिया हुआ है उन्होंने लिंक दिया हुआ एक उन्होंने दिया हुआ है वेबसाइट पर विजिट करो एल्डाइन की वेबसाइट पे ठीक है ना चले अब सुनना मैंने कहा मैंने कहा एक एप्लीकेंट है एक डिफेंडेंट है ओके अब मैंने कहा कि एक एप्लीकेंट है एक डिफेंडेंट है अब आपके स्टडी मटेरियल में केस लॉ को कैसे लिखा जाएगा देखना राम वर्सेस श्याम 191 नाइन्टी 2023 यहां पे डाल देना सत्तर सेवेंटी सेवेंटी भी डाल देना एस सी मैं इसे दोबारा लिख देता हूं सी एल बी सेवेंटी दो हजार तेईस एस सी ओके आपके स्टडी मटेरियल में चाहे इनकम टैक्स का स्टडी मटेरियल हो या लॉ का स्टडी मटेरियल हो किसी भी केस को ना ऐसे लिखा जाता है ऐसे सवाल उठा सर हम इतना सारा याद करेंगे नहीं हम इतना सारा याद करेंगे नहीं 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 अगेन आप ध्यान रखना अगेन आपको केवल इतना याद रखना है राम वर्सेस श्याम मतलब प्लेटिफ और डिफेंडेंट का नाम आपको ये सारे बाकी कोडवर्ड याद नहीं रखने हैं बट सर ये तो पता लगे कि कोडवर्ड होते क्या है हाँ इनका मतलब मैं जरूर बताऊंगा कि कोडवर्ड क्या होते हैं देखो जी इसका मतलब होता है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है ओके okay. इसका ना, मतलब होता है कि यह वो लीगल मैगजीन थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहली बार छपा है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे पहले इस लीगल मैगजीन में छपा सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन 2023 में दिया था यर ऑफ जजमेंट इयर ऑफ जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन CLB नाम की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन 2023 में दिया जो कि सीएलबी नाम की लीगल मैगजीन के अंदर छपा ओके ओके उसके बाद ये डिसीजन इस लीगल मैगजीन के पेज नंबर 191 पे वन पर छपा पेज नंबर 191 पे छपा और इस लीगल मैगजीन के वॉल्यूम नंबर 70 में छपा था वॉल्यूम नंबर वॉल्यूम नंबर क्या होता है वॉल्यूम नंबर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बुक पब्लिश की मैंने कहा जी हर महीने में एक, मेरी एक मैगजीन निकलेगी हर महीने तो जो जनवरी की मैगजीन है वॉल्यूम नंबर वन फरवरी की मैगजीन नंबर टू आ, आ, मार्च की वॉल्यूम नंबर थ्री अप्रैल की वॉल्यूम नंबर फोर तो वॉल्यूम नंबर सेवेंटी मतलब इस मैगजीन के सत्तरवे वॉल्यूम के पेज नंबर एक सौ इक्यानवे पर सुप्रीम कोर्ट का दो हजार तेईस का जजमेंट छपा है राम वर्सेस श्याम का ओ माई गॉड इसे कहा जाता है पूरे के पूरे को केस को लिखने का तरीका इसे इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ साइटेशन क्या कहते हैं मोड ऑफ साइटेशन किस चीज की क्लास है ये ये क्वेरी आती है यूट्यूब ये कई कलाकार ना ये देखो ये वो क्लास है जो यूट्यूब पे ना भटक रही होती है सारे दरवाजे खटखटा रही होती है जी कौन है घर पे जी अब ऐसे ही यहां भटकते हुए कोई आ गया है कि किस चीज की क्लास चल रही है बेटा शेर शेरो शायरी की क्लास है मैं शायर पोपली आज शायरी का पहला चैप्टर लेने जा रहा हूं चले आगे बताओ ऐसे कई भटकती आत्माएं इधर से उधर भटकती रहती है यूट्यूब ये किस चीज की क्लास चल रही है जरा बताएंगे आप हमें चलिए तो इसे क्या कहा जाता है मोड ऑफ साइटेशन अमित चौहान यार कसम से अमित चौहान की क्वेरी क्यों नहीं आ रही मुझे तो ये नहीं समझ आ रही वो बिल्कुल उसका बस इतना ही पोर्शन आना है कि क्वेरी का रिप्लाई करो किसका रिप्लाई करूं मैं क्वेरी तो दे यार चले। <coughs> तो दोबारा बोलिएगा ये है प्लेंटिफ। ये है रेस्पोंडेंट अमित चौहान जी दोबारा क्वेरी भेजो आप एक काम करो एल्डाइन के ऐप पर भेजो दोबारा क्वेरी चलो जी अमित जी आपकी क्वेरी का रिप्लाई हो चुका है तीन चार बार हो चुका है आ, मुझे अभी पता लगा तीन चार बार हो चुका है आप शायद क्वेरी लिख रहे हो मगर जवाब नहीं देख रहे शायद देखो बेटा जवाब देखो ना चले आदर्श बेटा आप एलडाइन की वेबसाइट पर जा सकते हो वहां पे पता लग जाएगा आपको अच्छा मैं चाहता हूं कि आप ही लॉ पढ़ाएं इन फाउंडेशन अच्छा बेटा आ रहा हूं आ रहा हूं फाउंडेशन में भी आऊंगा चिंता मत करो पहले अभी इंटर पे कर रहे दो पहले अभी इंटर करें फिर फाउंडेशन में भी पक्का आऊंगा चलिए अब सुनेगा तो इस पूरे को अपन लोग क्या कहते हैं मोड ऑफ साइटेशन का नाम देते हैं क्या मोड ऑफ साइटेशन सवाल उठा सर क्या मुझे ये सारा याद करना है अगर याद करना है सारा सर तो मेरी तो जिंदगी झंड हो जाएगी सर ऐसा मत बोलना कि सारा याद करना है अरे मैंने कहा किसने कहा तुम्हें कि सारा याद करना है तुम्हें बस इतना सा पोर्शन याद करना है कितना सा बस इतना सा पोर्शन याद रखना है जैसे राम वर्सेस श्याम बस और कुछ भी तुम्हें ध्यान नहीं रखना है कुछ भी ध्यान नहीं रखना है इतनी बात क्लियर तुम्हें केवल और केवल बस इसको ध्यान रखना है राम वर्सेस श्याम को बस क्लियर हो गई इतनी बात एक बार बोलो ना हा एक तो तुम हां नहीं बोलते ना बोलो ना हा चलिए अब एक और चीज पे आते हैं एक और चीज देखिएगा आप एक चीज पे गौर करना जब मैंने आपका सिलेबस आपसे डिस्कस किया तो मैंने कहा मैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कराऊंगा अच्छा यहां पर मैं आपको जनरल क्लॉज एक्ट कराऊंगा ओके पर जैसे ही मैं आया लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने कहा कॉर्पोरेट लॉस कराऊंगा और एल के भी लॉस कराऊंगा ओ भाई ये क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसमें मैं लॉ करा रहा हूं और राइट हैंड साइड पर मैं एक्ट करा रहा हूं तो क्या दोनों में फर्क है हां लॉ और एक्ट में फर्क होता है आप कलकत्ता में ऑफलाइन ले रहे हो नहीं बेटा मैं एल्डाइन में हूं और एलडाइन में ऑनलाइन ले रहा हूं तो मैं बताओ मैं हर जगह हूं मैं पूरे भारतवर्ष में हूं चिंता मत करो आगे बढ़ते हैं अच्छा एक और चीज कहूंगा अभी आपको टेस्ट के बारे में अब मैं टेस्ट के बारे में भी थोड़ा बता रहा हूं <laughs> सवाल उठा अकाउंट्स कॉस्टिंग, एफ एम इनकम टैक्स इन सारे सब्जेक्ट की एक खास बात है जिसकी वजह से ये बच्चे को खास आकर्षित करते हैं वो क्या अकाउंट्स में बैलेंस शीट मिलती है कॉस्टिंग में आंसर मैच होते हैं इनकम टैक्स में आपकी आंसर मैच हो रहा होता है बुक से या क्वेश्चन से ऐसे ही एफएम के अंदर भी पर लॉ के अंदर तो लॉ लिखना पड़ता है पुनीत सिंगल जी बड़ी जल्दी लॉ के अंदर तो लॉ लिखना पड़ता है और जब लिखना पड़ता है तो हमें कैसे पता कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं और फिर लिखने में जो फाउंडेशन में आपने देखा होगा जो दिक्कत आती है लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि आता तो सब कुछ है मगर लिखू क्या यह समझ नहीं आता बोलो सबको यह दिक्कत आई थी कि नहीं भाई साहब इस समस्या का समाधान भी है वो क्या वो है हमारी बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो मैं कह सकता हूं कि मैं गर्व से कह सकता हूं मैं मतलब अपना कॉलर दोबारा ऊपर कर सकता हूं जिसके कारण और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बेहतर टेस्ट सीरीज हो नहीं सकती क्यों क्योंकि जितने भी टेस्ट ये पोपली लेगा उन सबका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा और सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे आपका 100 मार्क्स में से 30 नंबर एमसीक्यू है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो होगी होगी मगर 70 मार्क्स क्यों छोड़ दूं तो इसलिए 70 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट में आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी रिपोर्ट कार्ड यस रिपोर्ट कार्ड जो आपके साथ शेयर की जाएगी फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नंबर टू में आपको यह बताया जाएगा कि टेस्ट नंबर वन और टेस्ट नंबर टू के बीच में आपकी इंप्रूवमेंट में कहां पर क्या फर्क आया है तो ऐसे ही इस मिला के पूरे सिलेबस खत्म होते होते हमारे कम से कम पांच टेस्ट जरूर होंगे और सिलेबस खत्म होने के बाद भी हमारी अगली पांच टेस्ट की वो सीरीज शुरू हो जाएगी जो कि मार्केट में जो नए बच्चे होंगे उनके लिए चार्जेबल होगी परंतु आपको कभी कोई चार्ज उसके लिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप आज ही पोपली के स्टूडेंट बन गए हो तो इसलिए टोटल दस टेस्ट आपके सब्जेक्टिव होंगे अगर आप सारे ना दे पाओ कम से कम भी चार ध्यान रखना कम से कम फोर्टी परसेंट टेस्ट आपने जरूर देने हैं बस ये मान के चलना कसम खा लो ये क्योंकि यहां पर टारगेट बस एक ही है वो क्या है सिक्सटी क्रॉस करना है सिक्सटी ये हमारा लैंडमार्क बेसलाइन है सिक्सटी इसे क्रॉस करना इसे है इसे टापना है चालीस पचास नंबर के लिए कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती वो तो खुद घर पर आ सकते हैं ठीक है तो इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे कैसे मेरे पास आएंगे सब कुछ प्रोसीजर में आगे चल के बताऊंगा और कैसे चेक होंगे कैसे रिपोर्ट कार्ड्स के फॉर्मेट कैसे होंगे सब कुछ बताऊंगा डोंट वरी अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल तो मैं एक चीज पे आ रहा था मैंने कहा जी एक चीज लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं और राइट हैंड साइड पे मैं आपको एक्ट पढ़ा रहा हूं तो क्या लॉ और एक्ट में फर्क होता है द आंसर इज यस द आंसर इज यस क्लियर हो गई इतनी बात अब दोनों में फर्क क्या होता है अच्छा फर्क क्या होता है पहले यह समझिएगा देखो जी एक चीज है लॉ और दूसरी चीज है एक्ट जब एक्ट के अंदर मैं रूल्स डाल एक्ट के अंदर मैं रेगुलेशन डाल दू तब जाकर मेरा बनता है लॉ तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लॉ पढ़ूंगा और राइट हैंड साइड पे अदर लॉस के अंदर मैं एक्ट पढूंगा। यस yes. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे रूल्स रेगुलेशंस, एक्ट सब पढ़ना है हाँ क्योंकि लॉ एक बहुत बड़ी टर्म है लॉ एक बहुत बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू एक्ट इतनी बात क्लियर तो बोलो ना हा भी। चले तो लॉ बहुत बड़ी टर्म है एक्ट उसके कंपैरेटिव में बहुत छोटी टर्म है ओके अब सवाल पहला ये है सर रूल्स और रेगुलेशन में फर्क क्या होता है रूल्स और रेगुलेशंस में फर्क क्या होता है ओके हां जी अमित चौहान जी देखो आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करने के लिए अमृतसर सेंटर आया है आरती मेहरा मैम देखो देखो देखो, देखो शाबाश आरती मैम आपकी क्वेरी रिजोल्व करेंगी हाँ जी रूल्स और रेगुलेशन में क्या फर्क होता है आपसे एक, 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 अच्छा, एक, 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 आप एक चीज पूछना चाहता हूं हाँ मुझे बताना लेडीज और जेंट्स पुरुषों और कन्याओं में से कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है योर टाइम स्टार्ट नाउ फटाफट बताओ पुरुष ज्यादा भ्रष्टाचारी या महिलाएं ज्यादा भ्रष्टाचारी आरती मैडम आप भी जवाब दे सकते हो पुरुष भ्रष्टाचारी या महिलाएं भ्रष्टाचारी अच्छा जो लड़कियां कन्याएं बैठी हैं वो कह रहे हैं पुरुष जो लौंडे बैठे हैं वो कह रहे हैं कन्याएं ये हो रहा है ज्यादातर तो अच्छा देखो वैसे मैं कहूंगा कि कन्याएं भ्रष्टाचारी नहीं होती कन्याएं भ्रष्टाचारी नहीं होती कन्याएं तो पापा की परियां होती हैं, और ये लौंडे भ्रष्टाचारी हो सकते हैं क्योंकि ये माताओं के चमगादड़ होते हैं और वैसे भी देखो ना ऊपर वाले ने क्या नियम बनाए हैं आपने सुना होगा मां की ममता हमारे बारे में कोई नहीं कहता बाप की बापता हमारे बारे में तो कभी किसी ने नहीं, नहीं लिखा ये बाप की बापता देखो सब यही लिखते हैं कभी भी मां की ममता अबे कोई हमें भी कह दो बाप की बापता नहीं हमारा नहीं है दिल यहां हमारे क्या फेफड़े लगे हुए हैं कमाल कर दी बात मगर क्यों क्योंकि कन्याएं लो प्रकृति भी यही मानती है कि कन्याएं ही कन्याओं के हृदय में ही दिल होता है लौंडों के हृदय में दिल नहीं होता यहां को इंस्ट्रूमेंट पीटर लग रहा है इसलिए लॉ मेकर ने कहा क्योंकि कन्याएं और भ्रष्टाचार ये कभी एक नहीं हो सकते यानी कि कन्याएं भ्रष्टाचारी नहीं हो सकती इसलिए एक सेक्शन बनाया गया लॉ मेकर द्वारा सेक्शन 149 फोर्टी नाइन ऑफ कंपनीज एक्ट जो कहता है कि एवरी एक मिनट रुकना पॉज हो गया वीडियो एक मिनट रुकना आ गई वीडियो चलो जी hmm. तो सेक्शन 149 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता है क्या कहता है कहता है एवरी प्रस्क्राइब्ड कंपनी शेल हैव अ वुमन डायरेक्टर एवरी प्रस्क्राइब्ड कंपनी शेल हैव अ वुमन डायरेक्टर बात समझ आई एवरी प्रस्क्राइब्ड कंपनी शेल है वुमेन डायरेक्टर हर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर जरूर रहेगी अच्छा मुझे केवल इतना पढ़ के बता देना क्या आपको यह सेक्शन पढ़ के इतना क्लियर हो रहा है कि वो कौन सी प्रेस्क्राइब्ड कंपनी होंगी जिसमें वुमेन डायरेक्टर होंगी क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी क्या आपको यह क्लियर हो रहा है नहीं ये मुझे पता नहीं लग रहा क्योंकि यहां पर वर्ड है एवरी प्रस्क्राइब कंपनी प्रस्क्राइब कंपनी कौन सी होगी हे मा मत जी कौन सी होगी प्रेस्क्राइब कंपनी प्राइवेट होगी पब्लिक होगी कौन सी होगी ये तो क्लियर नहीं हो रहा तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे इस सेक्शन पे कुछ और प्रकाश डालने की जरूरत है थोड़ा और ज्ञान यहां पर पहलने की जरूरत है ताकि मुझे क्लियर हो सके कि वो कौन सी कंपनी है जिसमें वुमेन डायरेक्टर जरूर होगी हाँ यानी कि कुछ और ज्ञान भी चाहिए अब इसका मतलब है फर्दर गाइडेंस मुझे चाहिए होगी ताकि मुझे पता लग सके कि वो कौन सी कंपनी है वो कौन सी कंपनी है मुझे थोड़ा सा और प्रकाश चाहिए ओ माई गॉड अच्छा ये प्रकाश आपको दो जगह से मिल सकता है या तो सरकार से गवर्नमेंट से अच्छा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से और या फिर किसी गवर्नमेंट की एजेंसी से गवर्नमेंट एजेंसी से ओके गवर्नमेंट की किसी एजेंसी का नाम बताइए सेबी अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अगर कोई सेक्शन अधूरा है वो पूरा नहीं है तो उस सेक्शन पर प्रकाश डालने की जरूरत है और वो प्रकाश कौन डाल सकता है ये पॉसिबल है कि वो प्रकाश सरकार डाले गवर्नमेंट डाले अगर वो गवर्नमेंट डालती है वो प्रकाश तो ये जो फर्दर गाइडलाइंस आई हैं उस सेक्शन के ऊपर दे बिकम रूल्स इन्हें क्या कहा जाता है रूल्स यानी कि जब भी कोई सेक्शन अधूरा है तो उस पर जो फर्दर गाइडेंस है वो फर्दर गाइडलाइंस अगर सरकार लाती है तो वो कहलाती है रूल्स परंतु अगर वो फर्दर गाइडलाइंस सरकार नहीं सरकार की कोई एजेंसी लाती है तो वो कहलाती है रेगुलेशंस क्या कहलाती है रेगुलेशंस क्लियर हो गई इतनी बात तो जब मैं रूल्स प्लस रेगुलेशन प्लस एक्ट तीनों को जोड़ दूंगा तो वो कहलाता है लॉ तो लेफ्ट हैंड साइड में, में मेरे पास क्या है लॉ यानी कि कंपनी से रिलेटेड में लॉ पढ़ूंगा एलएलपी से रिलेटेड में लॉ पढ़ूंगा बट यहां पर राइट हैंड साइड पे मैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ूंगा राइट हैंड साइड पे मैं जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ूंगा इतनी बात क्लियर अरे बोलो ना हा चलिए लॉ लास्ट में नहीं करना चाहिए बोथ ग्रुप वालों को नहीं वो बहुत ही भयंकर खतरनाक स्ट्रेटेजी होती है लॉ में ज्यादा चेंजेस नहीं होते ध्यान रखना तो इसलिए लॉ को पहले ही

एक एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन लेने का सबसे ज्यादा बड़ा विरोधी हूं मुझे लगता है कि वो बच्चों के साथ अन्याय है केवल अपनी मार्केटिंग चमकाने के लिए बच्चों के साथ अन्याय है मैराथन एक दिन पहले नहीं ली जाती बेटा वो बच्चों को पढ़ने का वक्त होता है उन्हें बच्चों को पढ़ने देना चाहिए जो भी मैराथन होनी चाहिए वो एग्जाम से एक महीना पहले खत्म हो जानी चाहिए तो इसलिए जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा बिल्कुल नेक्स्ट वीक से ही हमारी रिविजन शुरू हो जाएगी वो रिवीजन हफ्ते में एक दिन चलेगी हफ्ते में एक दिन लगातार ताकि आपके एग्जाम से एक महीना पहले फॉर एग्जाम्पल इकतीस मार्च को मेरा रिविजन समेत खत्म हो जाएगा तो यानी कि हम लोग चार महीने अगर बैच चलेगा तो चार महीने की रिविजन चलेगी या तीन महीने रिविजन चलेगी बात समझ आया लास्ट डे की मैराथन मैं कभी ना कराता हूं ना कभी ना कभी ऑप्ट करने को कहूंगा करना ही नहीं है ध्यान रखना पहले ही रिवीजन करके साइड पे रख देनी है मुझे ध्यान आया क्योंकि एक बच्चा कह रहा है नवंबर 23 की रिवीजन कब से बेटा शुरू हुई पड़ी है पांच क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चले और आगे बढ़ते हैं <laughs> सर गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यस बिल्कुल वंश बेटा गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ठीक हो गई इतनी बात चलो जी और आगे बढ़े अब सवाल उठा कि सर गवर्नमेंट जब कुछ बनाती है शुरुआत में जब बनता है कोई भी एक्ट तो वो एक्ट कैसे बनता है अच्छा लॉ तो मुझे समझ आ गया कि एक्ट के अंदर रूल्स और रेगुलेशन जोड़ो तो लॉ बन जाता है बट ये एक्ट कैसे बनता है ये एक्ट कैसे बनता है अब हम ये देख रहे हैं हाउ टू फ्रेम एन एक्ट लिखेगा हाउ एन एक्ट इज फ्रेम्ड कोई भी एक्ट किस तरीके से बनता है चलिए इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं हाँ जी अभी एक सवाल मेरा और पेंडिंग चल रहा है आज की क्लास में कि लॉ मेकर कौन होते हैं ये भी कहा था ना चले अब सुनना जी स्टेप नंबर वन सबसे पहले जब भी कोई एक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं एक्सपर्ट कमेटी इज फॉर्मड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओके okay. अब कैसे पता लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरी बात ये एक्सपर्ट कौन होते हैं हा पहला सवाल एक्सपर्ट कौन होते हैं ये होते हैं सीनियर एडवोकेट्स या फिर एक्स जजेस ये होते हैं एक्सपर्ट क्योंकि इनसे ज्यादा गहराई में लॉ कोई जानता नहीं है आंसर कैसे लिखे अमन पहली क्लास अभी कहां लिखने सिखाऊंगा टेस्ट से पहले सिखाऊंगा ना बेटा कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं वो टेस्ट से पहले उसकी क्लास होगी कि हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम तभी टेस्ट लूंगा ना बेटा ठीक है चले तो एक्सपर्ट कौन होते हैं ये होते हैं सीनियर एडवोकेट्स या फिर एक्स जजेस ये बनते हैं हमारे एक्सपर्ट्स अच्छा फिर उसके बाद कमिटी कौन बनाती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे कैसे पता लगेगा यह पता आपको लगता है भारत के संविधान को पढ़कर ओके okay. इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है जब आप भारत का संविधान पढ़ते हैं देखो जैसे कानून के अंदर सेक्शंस होते हैं वैसे ही भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल्स होते हैं तो यहां पर आर्टिकल 246 आता है उस आर्टिकल 246 के अंदर शेड्यूल नंबर सात है एक शेड्यूल नंबर सेवन जो ये बताता है कि किसी जगह पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी ठीक है मानो बता दूंगा अभी प्रोस्पेक्टस खत्म होने पहले सैटरडे को फिर उसके बाद बताऊंगा ठीक है हाँ जी आर्टिकल टू सिक्स में शेड्यूल सेवन है शेड्यूल सेवन ये बताता है कि किसी जगह पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और अगर मैं शेड्यूल सेवन को ध्यान से देखूं तो शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट डली हुई है तीन लिस्ट <laughs> नोट चाहिए मतलब कौन सा नोट चाहिए बेटा जरा डिटेल में लिखोगे कौन सा नोट की बात कर रहे हो आप शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट बनी हुई है पहले लिस्ट को मैं कहता हूं यूनियन लिस्ट दूसरी लिस्ट को मैं कहता हूं स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट को मैं कहता हूं कॉन्करेंट लिस्ट तो तीन तरीके के लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तीन लिस्ट हैं अब मुझे ये तीन लिस्ट पढ़ के अगर मैं देखूं तो यूनियन लिस्ट में अगर कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब उस मुद्दे पर कानून बनाने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ यानी कि इस मुद्दे पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है जैसे कि कंपनी से रिलेटेड जैसे कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है कोई और नहीं कोई और नहीं फिर आता है स्टेट लिस्ट अगर कुछ भी स्टेट लिस्ट के अंदर है तो मतलब वहां कानून बनाने की पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को है फॉर एग्जाम्पल ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ ठीक हो गई इतनी बात अच्छा एग्जाम्पल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस यहां पर कानून कौन बना सकता है केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है सेंटर के पास कोई अधिकार नहीं है परंतु फिर लास्ट में आती है कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है ऐसे लिस्ट जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम ठीक है ना चलिए फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं हाँ फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन आप देखते होंगे हर एक स्टेट के अंदर यूपी बोर्ड हरियाणा बोर्ड राजस्थान बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ऐसे होता है परंतु उन स्टेट्स के अंदर सीबीएसई भी चल रहा होता है सीबीएसई भी सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन ऐसे ही हेल्थ हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल होते हैं परंतु वहां पे एम्स जैसा हॉस्पिटल भी हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि कौन से लिस्ट के अंदर कोई कानून बनने की रिक्वायरमेंट है फॉर मैं कहता हूं जब एक्सपर्ट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो डिपेंड करता है कानून कौन बना रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है कानून तो एक्सपर्ट कमेटी वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो वो बनाएगी मगर एक्सपर्ट कमेटी में कौन आते हैं सीनियर एडवोकेट या एक्स जजेस आते हैं इतनी बात क्लियर हो गई तो बोलो ना हाँ अब ये लोग क्या करते हैं ये जो एक्सपर्ट होते हैं ये कानून को लिखते हैं स्टेप नंबर टू ड्राफ्टिंग ऑफ इन्होंने जो कानून लिखा उसे कहते हैं बिल क्या लिखा है बिल जो इन्होंने कानून लिखा है उसे कहते हैं बिल जो एक्सपर्ट कमेटी ने लिखा है ठीक है अब इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी इस बिल को प्रेजेंट करती है बिल प्रेजेंटेड टू किसको यूनियन को यूनियन कैबिनेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का सबसे शक्तिशाली मंत्रियों का समूह इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं होम मिनिस्टर आते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आते हैं डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं यानी कि ऐसे जबरदस्त लोगों का एक ग्रुप जो है उसे कैबिनेट कहा जाता है उस कैबिनेट के अंदर जब ओके हो जाता है बिल उसके बाद इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है तो पार्लियामेंट में और स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर पार्लियामेंट में आप जानते हैं हमारे दो हाउसेज हैं एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा इतनी बात भी क्लियर लो जी अब ये गया लोकसभा में पास हुआ उसके बाद ये गया राज्यसभा में वहां पास हुआ जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया उसके बाद ये किसके पास चला जाएगा अब ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास किसके पास प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा इतनी बात क्लियर हो गई बोलो ना हा अब समझना जी जैसे ही वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है वैसे ही अब वो चीज बिल नहीं कहलाती अब उसे पुकारा जाता है एक्ट तो वो क्या बन गया है एक्ट तो एक्ट कब बनता है बिल जैसे ही लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से पास करती है तो वो क्या बन गया एक्ट बन गया है ठीक है ना स्टेट हो तो डिपेंड करेगा विधानसभा और विधान परिषद से पास होते ही एक्ट बन जाएगा ठीक है ना चले अब वो गया प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट जैसे ही इसके ऊपर साइन करते हैं वो ईयर ऑफ साइन उसके आगे जुड़ जाता है फॉर एग्जांपल यहां पर कंपनी बिल 2012 पास हुआ यहां पर कंपनी बिल 13 में पास हुआ तो ये बन गया एक्ट सॉरी यहां पे भी 2012 में पास हुआ तो ये बन गया जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ ये क्या कहलाया कंपनी एक्ट 2012 था अभी तक प्रेसिडेंट ने जब इस पे साइन किए तो 2013 था तो ये कहलाया कंपनीज एक्ट 2013 जो प्रेसिडेंट जस ईयर में साइन करते हैं वो ईयर उसके साथ में लग जाता है तो ये बन गया कंपनीज एक्ट 2013। तो प्रेसिडेंट के साइन कब हुए? 2013 में हुए परंतु अभी भी ये वैलिड नहीं है अभी भी ये सही वैलिड नहीं है क्यों क्योंकि अब एक्ट बनने के बाद ईयर भी जुड़ने के बाद इसमें वेट किया जाता है एक नोटिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन का वो क्या कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्टिव डेट इफेक्टिव डेट क्या होगी वो नोटिफिकेशन में लिखा जाता है नोटिफिकेशन इफेक्टिव डेट के लिए एक नोटिफिकेशन का वेट किया जाता है नोटिफिकेशन क्या होती है नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गेजेट ओहो नाम सुने हुए जब सरकार को कोई अनाउंसमेंट करनी होती है ना तो सरकार अपनी अनाउंसमेंट एक न्यूज़पेपर में करती है एक डॉक्यूमेंट में करती है जिसे गैजेट कहते हैं कि यह कानून इफेक्टिव हो गया है यह कहां पता लगता है ऑफिशियल गैजेट से पता लगता है और ऑफिशियल गैजेट में ऑफिशियल गैजेट में यह जो सरकार हां जी लाइव है भाई क्लास लाइव है बंदा सामने खड़े होकर नाच रहा है यह कह रहे हैं लाइव है बताओ हाँ लाइव है ये जो सरकार ने जो नो, नोटि, नोटिफिकेशन निकाली है ये कहां आती है ऑफिशियल गैजेट में और इस नोटिफिकेशन के अंदर ही इफेक्टिव डेट दी होती है कि यह किस दिन से इफेक्टिव होगा फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह शेल कम इंटू कम्स इंटू इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन जैसे कंपनीज एक्ट की नोटिफिकेशन आई तो उसमें लिखा था कि कंपनी एक्ट कब से एग्जिस्टेंस में आएगा एक अप्रैल 2014 से एग्जिस्टेंस में आएगा कंपनी एक्ट एक अप्रैल 2014 से कंपनीज एक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा ये कंपनीज एक्ट की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था क्लियर हो गई इतनी बात तो बेशक कंपनीज एक्ट आ चुका है परंतु दो अप्रैल तक वो शुरू नहीं होगा इतनी बात क्लियर तो मुझे डन का मैसेज दो अब सवाल उठा क्या ऑफिशियल गैजेट कभी सुना क्या नाम ऑफिशियल गैजेट कभी सुना है हा या ना सुना है बहुत अच्छी बात है क्या देखा है कभी देखा है मैंने कहा ना एकदम रियल लाइफ से रूबरू होके चलना है कि कैसा होता है सब चीजें ये देखते चलनी है हमें कि कोई चीज कैसे नजर आती है सब देखते चलना है तो आइएगा पहले मैं आपको ऑफिशियल गैजेट दिखाता हूं कि ऑफिशियल गैजेट कैसे नजर आता है आइएगा एक ऑफिशियल गैजेट के ऊपर आता हूं यह तो रहा ऑफिशियल गैजेट ऑफिशियल गैजेट लो जी यह हमने दिया ऑफिशियल गैजेट लो जी देखा यह देखो कैसा नजर आता है द गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र गवर्नमेंट के जब भी कोई डिसीजन आते हैं तो वो इस तरीके से एक न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं जिसे भारत का राजपत्र या ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया कहा जाता है जितने गवर्नमेंट के डिसीजन है वो इस तरीके के न्यूज में आते हैं समझ आया विदुष जी क्वेरी भेजो विदुष जी क्वेरी भेजो अपनी क्लियर हुआ एक तो तुम हां नहीं बोलते रे बोलो ना हाँ यहां लगता है बार बार नहीं तो बोलो हाँ चलिए तो ऐसे ही जितनी चीजें आती जाएंगी हम सब देखेंगे कि क्या कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे आपको बहुत बार लेके जाऊंगा ये सब चीजें चलती रहेंगी क्लास के अंदर क्योंकि भाई देखो बड़ी सीधी सी बात है मैंने कहा ना पढ़ लिख के सब आएंगे एक्स्ट्रा फैक्टर किसमें होगा बस वही चीज है तो इसलिए चिंता मत करो सारे एक्स्ट्रा फैक्टर साथ में ही चलते रहेंगे एक क्वेरी आई है अतानु बेरा की वो कहते हैं लॉ में टोटल हंड्रेड मार्क्स की थ्योरी है नहीं बेटा तीस नंबर के एमसीक्यू अलग कर दो रह गए सत्तर नंबर सत्तर में से सत्तर नंबर इस बार केस लॉस आने हैं सत्तर के सत्तर नंबर केस केसलॉस की फॉर्म में आने हैं yes, यस ये अलग न्यूज पेपर आता है अगर आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो या इसे ऑनलाइन भी देख सकते हो ऑफिशियल गेजेट को इसे ऑनलाइन भी देख सकते हो आप देखोगे मैं एक मिनट आपको दिखाता हूं ऑनलाइन कैसे देखा जाता है ये देखेगा ई गेजेट होम इसमें सारे ई गेजेट होम में सारे के सारे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल गेजेट जो भी इश्यू कर रही है ना गवर्नमेंट वो सारे आ जाते हैं द गेजेट ऑफ इंडिया तो लोग नॉर्मली इसे गेजेट ऑफ इंडिया से ही देखते हैं ठीक है अरे बोलो ना हा अच्छा विदुष यादव जी कहते हैं कि प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट बनता है ना ये एक गलत धारणा है कि प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट बनता है ऐसा नहीं होता लोकसभा और राज्यसभा के बनते ही पास होते ही दोनों से पास होते ही एक्चुअल में वो एक्ट बन जाता है

पूरा कंपटीशन एक्ट अगर पड़ेगा कोई तो उसे समझ आ जाएगा कि कब कब क्या क्या होता है तो एक्चुअल में लोकसभा राज्यसभा से पास होते ही वो एक्ट बन जाता है मगर ईयर तब जुड़ता है जब प्रेसिडेंट के साइन हो ठीक है चले <coughs> कार्तिक तुम्हारी क्लास में भी हुआ था डोंट वरी बट इस बार थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि इनके सिलेबस में है हाँ जी आप सुनिए तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं अभी अब हम मिलेंगे कब मिलेंगे आज के फ्राइडे तो अब हम मंडे को मिलेंगे टेन थर्टी पर जहां पर मैं फिर फॉर्मली अपना एक, एक्ट करूंगा, मेरे साथ लिखना है में, से लिखना ही शुरू करना है पक्की बात है ठीक है जी तो बहुत 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 बहुत, बहुत धन्यवाद एंड uh, आपका दिन शुभ हो आपका वीकेंड शुभ हो हम मंडे को मिलेंगे आपके साथ थैंक यू थैंक्स अलॉट बाय टेक केयर बाय बाय